बल्ला बोल रहा था आज पंजाब का। और ये देखे केएल राहुल कप्तान 91 ऑफ 50 बॉल्स, दीपक हुडा ने भाई बीच में आके जो बैटिंग की 28 बॉल में 64 रन मारे। और ऑफ कोर्स क्रिस गेल द बिग मैन अपनी क्लास दिखाते हुए 40 ऑफ 28। क्या कहेंगे विरूपाजी, ये तो आपकी पुरानी माशुका ने कमाल कर दिया यार। देखिए बिल्कुल आंकड़े जो है वो बयां करते हैं कि 200 रन अगर बनाने का दमखम रखती है तो वो एक पंजाब की टीम है। हर बारी 200 रन जरूर बनाती, पिछली बार भी इतने ही रन लगभग बनाए थे, लेकिन हार गई थी, लेकिन रन उतने ही बनाए हैं। तो मुझे लगता है कि मजा आ गया देखकर, खासकर हुडा की बल्लेबाजी बीच में, जो उन्होंने आकर एक समय मुझे ऐसा लगा अगर वो पूरे ओवर खेल जाएंगे तो शतक वो बना जाएंगे। के राहुल की जो पारी थी ना उसको उन्होंने थोड़ा सा फीका कर दिया आकर, जैसे वो खेल के कमाल का, मतलब ये मैं दाद दूंगा टीम मैनेजमेंट की भी, चाहे अनिल कुंबले, चाहे कोच एंडी फ्लावर, या जिसने भी पूरन से पहले भेजा उन्हें हुडा को बैटिंग करने, वरना तो ये होता है कि भाई आप पूरन इतने बढ़िया खिलाड़ी उन्हें ही भेजते हैं, बट मजा आ गया। और लंबे शॉट्स जाट भाई इस तरीके से मार रहे थे, सिर्फ 28 गेंदों का सामना किया। और जो हम पहले बात कर रहे थे कि अगर गेल फेल हो गए, राहुल नहीं है, पूरन नहीं है, मयंक अग्रवाल नहीं है, तो कौन वो जिम्मेदारी उठाएगा? और भाई जिम्मेदारी जब कंधों पर आई तो क्या बखूबी निभाई, बहुत बहुत बढ़िया पारी देखने को मिली। चार पांच साल हो गए इनको आईपीएल में, और फिर एक बार मौका दिखाना अपनो के इस्तेमाल किस तरह से अलग किया है। बहुत रेयरली है पिछले पांच सालों में जिस जिस टीम में गए किसी ने इनको इस तरह इस रोल पे के यार इतना वक्त है तब जाए चार पांच बॉले हो, क्योंकि इसीलिए फिर आंकड़ों में जब जाते हैं, और इसको मैंने देखा आंकड़ों में कैसा है इनका, कलोल हमारे साथ है वो आंकड़े मुझे प्रोवाइड बढ़िया कर देते हैं। तो कि 40 एक इनिंग थी बीच में जिसमें इन्होंने 50 नहीं बनाया, तो अगर आप सिर्फ उसको देखते तो ऐसा लगता है अरे यार ये तो फॉर्म में नहीं है या इतने बनाए नहीं, बट 6-7-8 पे जब खेल रहे होते ना तो 20-25 की पारियां भी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन वो आंकड़ों में नजर आती। आज जब इनको मौका मिला है ना, ये पूरा यू नो मतलब इस पारी पे तो फैल ही गए, बट एक और चीज भी ट्रेंड नजर आता है ना सैम, कि जब जब यू नो मुंबई इंडियंस जो विनर होता है ना, हर आदमी उसको देखता चला जाता है। तो अगर आप देखें मुंबई इंडियंस ने पिछले साल सूर्य कुमार यादव को 7 वाले को लाके 3 पे खिलाया, उन्होंने क्या किया, ईशान किशन को ऊपर खिलाया, तो जो बड़े नाम होते हैं उनको आप पीछे रख के नए यंग खिलाड़ियों को आगे भेजना कि ये फियरलेस है, ये जाके वो कर पाएंगे उस स्टेज पे जो दिग्गज खिलाड़ी थोड़ा वक्त लेते हैं। तो आई थिंक ये भी एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है। बट दीपक हुडा की जो मेहनत है और जो लड़ाई की थी ना उन्होंने, उसी की तरह कर रहे थे छक्के मार मार के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सस्पेंड हुए बड़ौदा के अंदर और वापस आए हैं देखिए किस तरीके से, और बढ़िया बैटिंग कर रहे हैं। कप्तान के बारे में तो बात करनी पड़ेगी, ये वीरूपाजी के सबसे मनपसंद फेवरेट खिलाड़ी हैं केएल राहुल। और आज खास तौर से वीरूपाजी एक चीज देखी हमने, और वो थी उनका बैटिंग स्ट्राइक रेट, जो वापस पुराने केएल राहुल का बैटिंग स्ट्राइक रेट था। क्या कहेंगे उनकी पारी के बारे में आज, 91 और 50 बॉल्स 182 का स्ट्राइक रेट। देखिए मैं तो उम्मीद लगाए बैठा था कि शतक बनाएंगे, वो शतक से कम नहीं लगाएंगे, बट खैर आखिरी ओवर में आउट हुए, लेकिन अपनी टीम के लिए बढ़िया शुरुआत की। आज अगर पहले उनके कुछ बोले देखे तो 19 बॉल में 19 रन थे, तो ऐसा नहीं है कि उन्होंने शुरुआत से ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। जैसे ही पावर प्ले खत्म हुआ, बेन स्टोक्स आए, फिर स्पिनर्स आए, तो उनको उन्होंने आड़े हाथों लिया और फिर धीरे धीरे वो अग्रेसिव होते चले गए। लेकिन एक बात ये थी कि जब तक वो आराम से खेल रहे थे, मयंक अग्रवाल और क्रिस गेल ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रहे थे, तो फिर जब हुडा आए तो हुडा को भी उन्होंने पूरा साथ दिया कि भाई आप स्ट्राइक लीजिए और आप अगर मार सकते तो क्यों नहीं मारिए। तो कप्तान वाली पारी खेली और अंत तक रहे, आखिरी ओवर तक, आखिरी ओवर में जाके आउट हुए। कुछ छक्के तो कमाल के थे, वो एक मॉरिस पे जो उन्होंने वो फाइनल के ऊपर खेला शॉट, वो मतलब बहुत बड़ा दिल चाहिए उस शॉट को खेलने के लिए। मैंने अपनी लाइफ में तो एक बार ही खेला है, वो भी एंड्रू साइमंड्स पर, उसी पे मैं एलबीडब्ल्यू आउट हो गया। बट जो मैं जो मुझे ऐसा लगता है कि वो सामने इतने आराम से क्लियर कर सकते, क्यों इस चिक्की शॉट के लिए आप अपना मतलब विकेट गवा दें या डॉट बॉल कर दें। उसी के बाद उन्होंने एक शायद रिवर्स स्वीप भी मारने की कोशिश की फास्ट बॉलिंग सकारिया, अगर आप वही कवर्स के ऊपर मार सकते तो फिर इन शॉटों की नौबत क्यों आनी चाहिए। बट कुल मिलाकर मैं फैन हूँ केएल राहुल का और मुझे बड़ा मजा आया उनकी बैटिंग देखने में। प्रार्थना कर रहा था कि शतक बना दे, कुछ कहने के लिए मिल जाता ना फिर सैम के साथ।